नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सोमवार के दिन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसे खुलता नजर आ रहा है, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करें हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज़ में सोने और चांदी से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि गोल्ड आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $1836 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। ये सब बात करेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर भी $24.2 पर ट्रेड करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के जो लेवल्स हैं ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। गोल्ड अभी भी $1800 के ऊपर ही सस्टेन है और सिल्वर भी $24 के ऊपर सस्टेन हो रखी है। आपको बता दें कि डॉलर इंडेक्स में उठापटक के चलते हम देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में उठापटक देखने को मिल रही है। और दूसरा, अब फेडरल रिजर्व बैंक की भी मीटिंग होने वाली है जिस पर निवेशकों की नज़रें टिकी हुई हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो फेडरल रिजर्व बैंक की मीटिंग के डिसीजंस का वेट कर रहे हैं कि कब मीटिंग होगी और कब उसका रिजल्ट निकल के सामने आएगा, जिसकी वजह से ब्याज दरों में देखेंगे कि कुछ घटबड़ हुई है या नहीं हुई है। वो भी मैटर करेगा कि सोने चांदी की कीमतें आगे कैसी रहती हैं। तो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऐसी सिचुएशन के अंदर सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आज ऐसी मिले जुले रुझान के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। हालांकि गोल्ड $1800 के ऊपर है आज और सिल्वर भी $24 पर ट्रेड कर रही है। आपको क्या लगता है, फेडरल रिजर्व बैंक की जो बैठक होने वाली है उससे पहले निवेशकों की नज़रें उसकी मीटिंग पर टिकी हुई हैं, तो ऐसे में सोने चांदी में क्या अभी सेफ चल के चलना सही रहेगा, बिकवाली करनी सही रहेगी या फिर इन लेवल्स पर खरीदारी करें? देखिए, फिलहाल सोने और चांदी के अंदर जो रुझान बनता हुआ क्लेश दिखाई दे रहा है वो तो फिलहाल पॉजिटिव है और बिल्कुल आगे नतीजों के ऊपर नजर रहेगी कि किस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए सोना चांदी एक पॉजिटिव जोन में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बार वापिस से मार्केट जो है वो एक यही रेंज जो है वो कंटिन्यू में रख सकता है, 1840 और नीचे में $1800 की रेंज जो है फिलहाल बनी हुई है। क्योंकि देखिए, $1840 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली है और बाजार वहां से स्लिप करते हुए नजर आए हैं और आज भी इंट्राडे में भी लग रहा है कि 1840 तक मैक्सिमम एक अपसाइड 1840-42 तक बनता हुआ दिखाई दे सकता है। स्टिल सोना जो है वो बाइंग में रहना चाहिए, सोना और चांदी दोनों ही पॉजिटिव हैं और मुझे लगता है 48,500 तक आज इंट्राडे में सोना देखने को मिल सकता है। जी, ये सुरपा जी, बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो क्रूड में देख रहे हैं कि WTI $85 पर है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $87 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। दोनों में ही लगभग 1-1% की तेजी देखने को मिल रही है। रूपा जी, आपको क्या लगता है कच्चे तेल में भी कैसा रुझान रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि US के अंदर तो इन्वेंट्रीज में बढ़ोतरी के चलते पहले बताया गया था कि गिरावट है इन्वेंट्रीज के अंदर जिसकी वजह से तेजी बनी थी, वहीं पर हमने देखा कि अब आंकड़े ये कह रहे हैं कि US की इन्वेंट्रीज में इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरा, जो बाकी देश है वहाँ पर कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो बाधित हो रखी है और अभी जो हूतियाँ अटैक हुआ था उसकी ड्रोन अटैक किया था हूतियों ने, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कच्चे तेल की जो सप्लाई है वो प्रभावित होती नजर आई है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या कच्चे तेल में अभी तेजी रह सकती है? देखिए, अभी फंडामेंटल सपोर्टिव है जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी है और ब्रेंट $90 तक एक बार जा सकता है और क्रूड WTI की बात करें तो $88 तक एक बार अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,500 तक के स्तर भी संभव है कि कच्चे तेल में आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिले, क्योंकि फंडामेंटल काफी सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी, ये सर ऊपर जी, बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स देख रहे हैं कि कॉपर 0.1% की लगभग 0.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ $4.49 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। MCX जिंक देख रहे हैं 0.25% की गिरावट है। MCX निकल 1800 के ऊपर निकल चुका है लेकिन 0.5% की गिरावट है। MCX लेड हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में कीमतें तो ठीक ठाक ही देखने को मिल रही हैं, लेवल्स अच्छे खासे हैं लेकिन नरमी वाले देखने को मिल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बनेगी या फिर यहाँ से बाइंग इनिशिएट हो जाएगी फिर से? देखिए, अभी लेवल जो है वो काफी ऊपरी स्तरों पर बने हुए हैं और आप देखिए निकल जो है लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है अभी और मुझे लगता है कि जो ये वाला करंट वायदा है ये भी 1800 के पार जा सकता है जो कि 1780-82 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छी खासी तेजी मुझे लगता है कि बेस मेटल में बनी रह सकती है और स्टील प्राइजेस ऊपर है, कॉपर भी 750 के ऊपर सस्टेन कर रहा है
और जिंक को देखिए 294 के आसपास है, जिसमें हम एक्सपेक्ट करें कि 300 तक एक बार ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक अभी भी काफी पॉजिटिव है मार्केट और बेस मेटल्स के अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी में ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कॉपर जल्दी 760 से 780 के आसपास जा सकता है और निकल 1800 के स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे जिनमें पूरा कारोबारी सप्ताह अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? ठीक है, मुझे लगता है कि जिंक में बाइंग करना चाहिए। जिंक जो है 298 से 300 का स्तर छू सकता है और वहीं क्रूड में भी बाय करके चला जा सकता है। आज इंट्राडे के लिए क्रूड 6420 से लेकर 6440 तक की अपसाइड पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए वस्त नहीं, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।